स्वागत है आपका आपके रॉयल ग्लैम वर्ल्ड में। मैं हूँ दीपिका और आज से हम शुरू करेंगे एक मेकअप सीरीज जिसके अंदर जो कि स्पेशली होगा बिगिनर्स के लिए जो मेकअप शुरुआत कर रहे हैं अभी मेकअप की, तो उनके लिए सब कुछ होगा इसके अंदर। प्राइमर, फाउंडेशन और ब्लशिंग, कंटूरिंग, ए टू जेड मेकअप का कि क्यों इस्तेमाल करते हैं और किस चीज़ से क्या होता है और उनके फैक्ट्स और मिथ के बारे में भी हम बात करेंगे। हमें मेकअप की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहली चीज़, मेकअप की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि हम अच्छे दिखें। ऑफकोर्स ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम अच्छे दिखें, लेकिन सेकेंड चीज़ ये होती है कि अगर हमने अपनी स्किन पे कोई भी शीट लगाई है लाइक मॉइस्चराइज़र, प्राइमर, कुछ भी ऐसा अगर हमने अपनी स्किन पे अप्लाई किया है तो वो एनवायरनमेंट और हमारी स्किन के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता है जिसकी वजह से हमारी स्किन में डायरेक्ट पॉल्यूशन ना जा सके, डायरेक्ट हार्मफुल रेज ना जा सके। इसलिए हमें मेकअप और फाउंडेशंस, प्राइमर और इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये एक बेसिक रीज़न है। अगर आपको ये मेकअप सीरीज देखनी है बिना किसी रुकावट के तो आप नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसे क्लिक कर लीजिए और फिर आपको नोटिफिकेशन आने लग जाएंगे आने वाले नए वीडियोस के, और ये बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। सो शुरुआत करते हैं आज हम प्राइमर से। प्राइमर और फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे, उनके फैक्ट्स और मिथ्स की बात करेंगे। सबसे पहले प्राइमर। प्राइमर हमें हमारी स्किन के लिए क्यों ज़रूरी है? प्राइमर स्किन के लिए ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप मेकअप अप्लाई करते हैं, प्राइमर स्किन के लिए ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप मेकअप अप्लाई करते हैं तो प्राइमर आपकी स्किन और आपके मेकअप के बीच में एक बैरियर का काम करेगा। अगर आपने प्राइमर लगाया है फिर मेकअप अप्लाई करते हैं तो परफेक्ट है। अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं, कुछ एक्ने हैं, तो वो फाउंडेशन या हार्मफुल जितने भी केमिकल्स हम मेकअप के थ्रू हमारे फेस पे लगाते हैं वो इफ़ेक्ट नहीं करते हमारे स्किन को इतना। उसके लिए हमें प्राइमर की ज़रूरत होती है, सबसे पहली चीज़। दूसरा कि हमें प्राइमर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर हमने प्राइमर के बिना मेकअप लगा लिया, फाउंडेशन लगा लिया, बीबी क्रीम लगा लिया, कुछ भी लगा लिया, तो वो बहुत केकी सा लुक देगा। ऐसा लगेगा कि जैसे क्रीज, फाइन लाइंस गिरने लग जाएगी, क्रीज गिरने लग जाएंगे और वो बहुत भूतिया टाइप इफेक्ट देने लग जाएगा। तो ये तो हो गया प्राइमर क्यों ज़रूरी है। अब कौन कौन से प्राइमर कौन कौन से स्किन टाइप के लिए होंगे? तो सबसे पहले अगर आपकी स्किन ऑयली है तो पतंजलि का, कोई ज़रूरी नहीं है पतंजलि का हो, किसी भी ब्रांड का होना चाहिए। एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल आप आराम से, अगर आप बहुत स्वेट करते हैं तो आप इजीली ऑयली स्किन वाले और नॉर्मल स्किन वाले पतंजलि एलोवेरा जेल एज ए प्राइमर इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और चीज़, जितने भी मैं प्रोडक्ट्स बताऊंगी वो सब अफोर्डेबल होंगे जो कि आपकी स्किन के लिए और आपकी पॉकेट के लिए दोनों के लिए अच्छे रहेंगे। मतलब ना तो आपकी स्किन हार्म करेगी ना आपकी पॉकेट को हार्म होगा। तो सब कुछ जितने प्रोडक्ट्स मैं चुनूंगी वो सारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए, कोशिश करूंगी ऐसे प्रोडक्ट्स लाने की जो बहुत कम प्राइस में हो लेकिन अच्छी क्वालिटी के हो। फिर सेकंड चीज़ है मेरे पास ड्राई स्किन वालों के लिए। जिन लोगों की स्किन ड्राई है उन लोगों के लिए है निव्या मैन। ड्राई वाले, नॉर्मल वाले और कॉम्बिनेशन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में ऑयली स्किन वाले और कॉम्बिनेशन वाले इसे ना यूज़ करें। ये थोड़ा सा स्वेट करता है नॉर्मल स्किन वालों के लिए और ऑयली स्किन वालों के लिए पतंजलि का जेल। तो ये दो प्राइमर्स हैं, बहुत बेसिक प्राइस में आते हैं। ये 235 का है और ये वाला है अराउंड 80 रुपीज़ का आता होगा, ये 75-80 रुपीज़ का है। बाकी प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी ताकि आपको आसानी हो, और डिस्क्रिप्शन में ही मैं इनका लिंक डाल दूंगी। तो आपको कुछ ख़रीदना है तो आप उस लिंक से डायरेक्ट अमेज़न से ख़रीद सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम एक नया नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे मेकअप सीरीज़ के अंदर। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव ए थम्स अप और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।